मोदी के गृह राज्य गुजरात से भगाए जा रहे उत्तर प्रदेश बिहारियों के मामले पर जमकर घेरी जा रही बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले बागपत से जुड़ी एक बुरी खबर सामने आई है। बता दें आपको कि किसानों ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बीजेपी नेताओं की एंट्री बंद कर दी है। किसानों ने खेत में एक बोर्ड लगाकर मोदी सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया है। क्या नाम भाई आपका? उपेंद्र कुमार है, धनोरा से। उपेंद्र भाई, किस चीज का बोर्ड लगाया आपने? भारतीय किसान यूनियन एकता का बोर्ड लगाया भाई हमने, ये अपना हमने चौधरी साहब के हम हुए है। और भाई हमने बोर्ड इसलिए लगाया क्योंकि हमारे किसान भाई दिल्ली गए थे, हम भी गए थे वहाँ, हम भी फुहारे में पीट का आए। बीजेपी ने जी हमें दिल्ली में हमारी समाधि है वहाँ, राजघाट सभी का जान का अधिकार होता है वहाँ, हमें जाने था वहाँ रोक लिया गया। हमारे किसान भाइयों पर लाठी चार्ज करी गई, फुहारे चार्ज करे गए, तो अब हमने बोर्ड लगा दिया, हमने दिखा दिया किसान एकता क्या चीज़ होती है। क्या लिखा गया बोर्ड पे? क्या बोर्ड पे लिखे गया हमने, किसान एकता जिंदाबाद, बीजेपी वालों का इस गांव में आना सख्त मना है, अपनी जान माल, क्योंकि अपनी जान माल जो आएगा वो अपनी जान माल की स्वयं रक्षा करेगा भाई बीजेपी वाला। बताते चले आपको कि हाल ही में दिल्ली में किसानों ने बड़ी तादाद में मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया था, तब जाकर मोदी सरकार ने किसानों की कई मांगों पर सहमति दे दी थी। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।